लाहौर का रुख करते हैं, मौसम की बात करेंगे जहां बारिश के बावजूद मौसम गर्म है। शहरी लोड शेडिंग की वजह से दोहरे अजाब में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात ने मई में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई की है। लाहौर से हुमा बट की रिपोर्ट देखिए। रात को आंधी और बारिश से गर्मी कम तो हुई, लेकिन सुबह होते ही सूरज की तपिश से गर्मी की शिद्दत फिर से बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात ने मई में 45 डिग्री तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान जाहिर किया है और रवां हफ्ते भी हीट वेव जारी रहेगी। लाहौर में इस वक्त कल की कुछ बारिश से हल्का फुल्का बेहतर हुआ मौसम, लेकिन ये कि अभी हीट वेव बाकी है और 27 तारीख तक हम टेम्परेचर जो है 40 से 45 के दरमियान रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग ने भी शहरियों को अजियत में डाल दिया। शहरियों का हुकूमत से शदीद गर्मी में बिजली बंदिश खत्म करने का मुतालबा है। तीन तीन चार चार घंटे अगर बिजली जाएगी और जो ये हालात बने हैं तो ये मेरा नहीं ख्याल में हम गुजारा इस चीज़ में है। पूरी पूरी रात बंदा सो नहीं सकता। अगर हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं तो उसके बाद बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, जो गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर है। इस गरीब आदमी के पास वसाइल नहीं है तो वो इस गुरबत में और इस लोड शेडिंग में वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय वो गर्मी के साथ लड़ने के। शहर भर में इलानिया लोड शेडिंग 6 घंटे जबकि गैर इलानिया बिजली बंदिश 10 घंटे तक पहुँच जाती है। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ता ही जा रहा है। शहरी परेशान हैं, कहते हैं कि हुकूमत लोड शेडिंग बंद करे और आवाम पर कुछ तरस खाए। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर।